तो सब कब्रिस्तान मकान में ही हैं। बच्चे भाई खत्म हो जाते हैं, वो कब्रें देख देख के सालों साल दुखी रहती है। अपने घरों में दफनाते हैं, जगह कोई है नहीं। परेशानी ये होती है कि जैसे कहीं या मरघटा होता है या कब्रिस्तान होता है, तब ये देखिए कि माँ बहनों के जब बच्चे टूटते हैं या जवान टूटते हैं तो उन्हें तसल्ली नहीं आती है। और हमारे यहाँ तो सब कब्रिस्तान मकान में ही हैं, और उसके बारे में कि औरतों को चैन नहीं पड़ता है कि कभी जवान मरते हैं तो कभी बच्चे मरते हैं, वहीं चूल्हा रखा है, वहीं पर खाना पका रहे हैं, वहीं पर कब्रिस्तान बनी है। परेशानी ये हम लोगों को, यहाँ कब्रिस्तान की कोई वो नहीं है, जगह ही नहीं है, इस कारण अपने घरों में दफनाते हैं, जगह कोई है नहीं। ये कब से हो रहा है? ये जब से हम पैदा हुए तभी से देख रहे हैं। अब ये सोच तो रहे कि वो कह तो रहे कि सारे काम होंगे, सारे इंतजाम होंगे, जिसके पास जो चीज़ें नहीं हैं उसका पूरा वो करेंगे, लेकिन देखो क्या होता है जी। आज हमारे तो है 60 साल से हम देख रहे हैं, 65 हो गए और यही हाल है, गर्मी हो गई। इतनी सरकार है आई, सबके कर व्यवस्था करी, नहीं हो पाई कम। अब सोच रहा है कि अब शायद हो जाए। कब्रों से जहाँ पर ये रहते हैं वहीं पे इनकी कब्रें बनी हुई हैं। बच्चे डरते हैं, महिलाएं परेशान रहती हैं, जिन महिलाओं के पति बच्चे भाई ख़त्म हो जाते हैं वो कब्रें देख देख के सालों साल दुखी रहती हैं। और कई बार काफ़ी प्रयास के बावजूद हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है लोगों के साथ, पर किसी भी सरकार में इनकी कोई सुनवाई नहीं। देखिए योगी जी आए हैं और योगी जी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति है, सन्यासी व्यक्ति है, हो सकता है वो इस चीज़ पे गौर करें। ये जो है घरों में कब्रिस्तान बनाना शरीयत में बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। हाँ, अगर उन लोगों के पास जगह नहीं है, अगर किसी वजह से वो परेशान हाल हैं और जगह खरीदने की ताकत नहीं रखते हैं, तो वो अपने घरों में कोई जगह ऐसी वक्फ कर दें कब्रिस्तान के लिए कि हमें यहाँ पर कब्रिस्तान ही बनाना है, तो वो चीज़ शरीयत अलाउ कर देती है उसको। लेकिन घर के अंदर कब्र बनाना नाजायज़, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है गलत करार दिया है। यहाँ तक कि बस्ती से और आबादी से भी दूर कब्रें बनाना चाहिए।